हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एंड्रॉइड ग्रैप्स। आज हम जानकारी लेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में, उस ऐप की मदद से हमारे फ़ोन में जितनी बार कॉल आएगा उतनी बार अलग अलग रिंगटोन बजने लगेगी। तो उस एप्लीकेशन का नाम है रनटून। तो ये वो रनटून एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरीके से हम इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और किस तरीके से इस ऐप की मदद से हमारे फ़ोन में जितनी बार कॉल आएगा उतनी बार किस तरीके से अलग अलग रिंगटोन बजने लगती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली उस एप्लीकेशन को हमें प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है रनटून। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्टली हमें यहाँ से माई फाइल्स में जाना है। माय फाइल्स में जाने के बाद यहाँ से हमें एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर को। तो हमने यहाँ से थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दिया। उस पर क्लिक करते ही क्रिएट फोल्डर पे क्लिक कर देना है और यहाँ हम उस फोल्डर को कौन सा भी नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ रिंगिंग नाम को राइट कर लिया और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब ये फोल्डर यहाँ क्रिएट हो गया है रिंगिंग। अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब हमें ऑडियोज़ में जाना है और यहाँ से हमें कुछ सॉन्ग्स को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से हमने कुछ सॉन्ग को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से और इन सॉन्ग्स को अब हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, अब हमें बैक आना है और हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था रिंगिंग, हमें उस फोल्डर पर जाना है। उस फोल्डर को देखते ही उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने उस फोल्डर को ओपन कर लिया और इन सभी सॉन्ग्स को हमने यहाँ पेस्ट कर लिया इस तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सभी सॉन्ग्स जो है वो यहाँ आ गए हैं रिंगिंग फोल्डर में, आप यहाँ देख सकते हैं सभी सॉन्ग्स को। हमने ऑडियो फोल्डर में से कॉपी करके सभी सॉन्ग्स यहाँ लिए हैं रिंगिंग फोल्डर में। अब हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद हमें उस एप्लीकेशन को यहाँ ओपन कर लेना है। रनटून एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लिया। ऐप ओपन होते ही परमिशंस को अलाउ कर देना है। परमिशंस को अलाउ कर देने के बाद हमें इस एप्लीकेशन को यहाँ से अलाउ कर देना है, ऑन कर देना है। ऐप ऑन होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ ओपन हो गया है। तो हमें यहाँ म्यूज़िक का जो सिंबल है उस पर क्लिक करते ही यहाँ प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही यहाँ हमने जो फोल्डर क्रिएट किया है उसका नाम यहाँ राइट कर देना है। तो हमने यहाँ रिंगिंग नाम डाल दिया और यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते ही फिर से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें ऐड फोल्डर पे क्लिक कर देना है। ऐड फोल्डर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से अब हमें रिंगिंग फोल्डर को देखना है, सर्च करना है। अभी रिंगिंग फोल्डर हमें यहाँ मिल गया तो उसे सिलेक्ट करना है। उसे सिलेक्ट करते ही उसे फिर से यहाँ सिलेक्ट डायरेक्टरी करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फोल्डर है यहाँ आ गया है। अब हमें कुछ नहीं करना, फिर से उस सिंबल पे क्लिक कर देना है म्यूज़िक के पास वाला। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, फर्स्टली हमें यहाँ कॉल्स, एसएमएस और अलार्म दिख रहे हैं, थ्री ऑप्शंस। तो हमने यहाँ कॉल्स को ऑन कर दिया और नो प्लेलिस्ट पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ रिंगिंग फोल्डर जो है उसका नाम हमें दिख रहा है। हमने उस पर क्लिक करते ही ये फोल्डर जो है रिंगिंग यहाँ आ जाएगा और हमारे फ़ोन में जितनी बार कॉल आएगा उतनी बार अलग अलग हमने जो ये सिलेक्ट किए हुए गाने थे वो बजने लगेंगे सॉन्ग्स, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। उसी तरीके से हम एसएमएस और अलार्म को भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एसएमएस पे क्लिक करके नो प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दिया तो रिंगिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने अलार्म्स पे क्लिक करके नो प्लेलिस्ट पे देख लिया तो रिंगिंग आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि इस तरीके से हम इस ऐप की मदद से हमारे फ़ोन में जितनी बार कॉल आएगा उतनी बार हम अलग अलग रिंग टोन्स को सेट कर सकते हैं, अलग रंग रिंगटोन जो है वो बजने लगेगी। थैंक यू।